तो यार आज के दिन की आप ट्रेडिंग देख सकते हैं फर्स्ट ट्रेड लॉस सेकंड प्रॉफिट लॉस 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 प्रॉफिट एंड लॉस

नहीं है दोस्तों कल हमने ट्रेड ली थी जीबीपी यूएसडी पे हमारा जो बैलेंस था 42.10 सेंस इतना बचा था 45 से स्टार्ट किया था लॉस हो गया था ऑफ कोर्स आज के दिन अगेन हम ट्रेड लेने वाले बट आज हम एक शुभ आंकड़ा यानी कि नियबाय 50 और 51 डॉलर्स के आसपास प्रॉफिट टारगेट रखेंगे और 5 डॉलर का लॉस टारगेट रखेंगे आज के इस सेशन के लिए यार पता ही नहीं लगा कि कब दस दिन हो गए आज ग्यारहवा दिन है आपका स्वागत है एक बार फिर से टेक्निकल अभी यूट्यूब चैनल में और डे सीरीज में चलिए टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करते हैं कल हमने बियर्स पावर बुल्स पावर की स्ट्रैटेजी अप्लाई की थी बट फिलहाल सबसे पहले करेंसी पेड चेंज करना पड़ेगा जी पी पी में कुछ अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिख रहा है आ, यूरो कैड आज के दिन के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि मैंने कोई मार्केट चेक नहीं किया है मैं थोड़ा जल्दी में हूँ मुझे जल्दी सोना पड़ेगा कल मुझे जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो ये रीज़न है कि मैंने मार्केट भी चेक नहीं किया बट ज़्यादा बड़ी रिस्क भी नहीं लूँगा एक, एक एक या दो दो तीन तीन डॉलर्स तक की ही रिस्क लूंगा आज और अगर मुझे लगता है कि मेरी डायरेक्शन गलत जा रही है तो मैं स्टॉप कर दूंगा सिंपली ये होने वाला है तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे प्रॉपरली यूरो कैड ठीक है एट्टी परसेंट दे रहा है प्रॉफिट का तीन डॉलर्स मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा पे आते हैं चलिए स्ट्रैटेजी भी अप्लाई कर लेते तो कोई स्ट्रैटेजी भी फिलहाल ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैंने सोची भी है कोई मैं सी सी आई यूज करता हूँ और इसके साथ मैं यूज करता हूँ पैराबोलिक ठीक है कैसे काम करती है आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं स्ट्रैटेजी के सेक्शन में क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज में बताई है सेम चीजें ठीक है यार थैंक यू सो मच यार बहुत हिम्मत मिल रही है आप लोगों से नहीं तो यार ये कंटिन्यू कर पाना मेरे लिए डिफिकल्ट हो पा रहा था क्योंकि आप देखेंगे यार टेन डॉलर से इतना बड़ी जर्नी जो सेट की है बहुत बड़ा टारगेट सेट किया है जहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है ट्रस्ट में बट फिर भी यार आप लोगों की सच्ची में बहुत हिम्मत मिलती है आप के जो कमेंट्स हैं आपके लाइक like, शेयर्स होते हैं वीडियो पे वो हिम्मत देते हैं और उसके चलते आ, मैं आपके लिए वीडियोस लेके आप आता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दी है थ्री डॉलर्स की देखेंगे नीचे एक कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ यानी कि जो 100 की लाइन की तरफ एक कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है सीसीआई की तरफ से ये रीजन है कि मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करी है तीन डॉलर की इसलिए करी है क्योंकि आपको पता ही होगा जो फर्स्ट ट्रेड मैं लेता हूं कभी भी वो थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट की रहती है और थोड़ी सी ज्यादा उस पर रिस्क रहती है फिनिश होने देते हैं उसके बाद मिलते हैं अब देख सकते हैं हमारी जो तीन डॉलर की ट्रेड थी वो लॉस में क्लोज हो चुकी है हमारा आज का लॉस टारगेट है पांच डॉलर का तीन डॉलर हम ऑलरेडी गवा चुके हैं मात्र दो डॉलर बचे ओनली टू डॉलर्स वी हैव ओके एंड वी आर गोइंग विथ टू डॉलर दिस टाइम एंड अगर uh, नहीं जमता है तो हम स्टॉप कर देंगे कोई बात नहीं बट वी आर गोइंग विथ टू डॉलर राइट नाउ और देखते हैं कि क्या होता है आई एम गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन क्यों क्योंकि यहां पे काफी ज्यादा रिजेक्शन मिला है और आ, ट्रेड को खत्म होने देते हैं मिलते हैं सो so, रिजल्ट आप देख सकते हैं 1.60 पॉइंट सिक्स जीरो बट इवन तो हमारा जो लॉस था वो तीन डॉलर्स का था कोई बात नहीं कुछ तो अच्छा हुआ At least, okay. We are going again with two uh, dollars, and we are going in downward direction, guys. As a result, आप देख सकते हैं 1.60 हाँ काफी volatile थी ये daily task भी हमारा complete हो चुका है. अब हम जाएंगे थ्री डॉलर के लिए आई नो स्लाइटली रिस्की है बट विल गो विद द विद्री डॉलर डायरेक्शन ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं बचे दो, एक ओके तो वो जब मैंने स्टार्ट किया था शायद फोर्टी थ्री डॉलर थे अब हम पहुंच चुके हैं थर्टी नाइन डॉलर पे और हमारा आज के दिन का लॉस टारगेट कितना था आज के दिन का हमारा लॉस टारगेट था पाँच डॉलर तो अभी भी एक डॉलर हमारा बचा है तो हम एक डॉलर के साथ जाएंगे ओके गाइस हमने एक डॉलर जो है वो सेट कर लिया बट अब अब आना पड़ेगा यार अपनी वाली पे बहुत ज़्यादा मजाक में ले लिया बट अब अपने पे आना ही पड़ेगा सबसे पहले मैं स्ट्रैटेजी चेंज करता हूँ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्ट्रैटी काम नहीं कर रही तो दैट्स वाई मैं चेंज कर रहा हूँ एक ओ... ये ठीक है ठीक है ओके okay, सो so अब हमारे पास एक, एक डॉलर के साथ ट्रेड लेने में लेट सी क्या होता है तो मैं ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेने वाला हूं ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है बट हमारे पास मात्र एक डॉलर बचा है और यही हमारी लास्ट होप है आज के दिन की क्योंकि यहीं से हमें वापस से आगे बढ़ना पड़ेगा कोई ऑप्शन नहीं है ओके okay? सो एज़ अ रिजल्ट आप देख सकते हैं पॉइंटिव सेंस हमें मिल चुके हैं बहुत सुकून की सांस मिली क्योंकि मैं आज रोकना नहीं चाहता था फिलहाल ट्रेडिंग क्योंकि आज का टारगेट बहुत बड़ा रखा था चलो अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कंपाउंडिंग करने वाला हूँ अब जैसे कि हमारे पास अब दो डॉलर का बैलेंस है तो अब दो डॉलर से हम कंपाउंडिंग करेंगे कंपाउंडिंग का मतलब नहीं पता अगर आपको तो आप जाके चेक कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियोज में तो चलिए यार ट्रेड लेते हैं यहाँ पर मैं जाने वाला हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉर वन मिनट ट्रेड मैंने प्लेस कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं यार इन बिटवीन आपको एक चीज बताता हूँ जो कंपाउंडिंग होती है ना वो काफी ज्यादा रिस्की होती है क्योंकि अगर आप कंपाउंडिंग का मतलब अगर आप यहाँ पे अभी दो डॉलर में जो भी प्रॉफिट लोगे वो मैं दो डॉलर के साथ प्लस करके नेक्स्ट ट्रेड पे यूज़ करने वाला हूँ तो कंपाउंडिंग में होता क्या है कि या तो आप पूरी इनिशियल अमाउंट जीरो कर दोगे या तो मतलब इनिशियल मतलब जितने भी अपने जितना भी डॉलर का अपन कंपाउंडिंग कर रहे हो अभी फिलहाल मैं मात्र थर्टी नाइन डॉलर थर्टी एट डॉलर तक कंपाउंडिंग करूँगा यानी अड़तीस डॉलर फिर भी बचेगा अगर मैं यहाँ पे अच्छी ट्रेड्स में नहीं लैंड करता हूँ तो भी बचेगा तो मैं अभी ये करने वाला हूँ एज ए रिजल्ट आप देख सकते हैं हो चुका है मेरा क्लोज अब मेरा ट्रेड नेक्स्ट होने वाली है फोर डॉलर्स की इसको बोलते कंपाउंडिंग देखिए अगर मैं फोर डॉलर्स जाते भी है मेरे तो भी मैं थर्टी एट डॉलर के आसपास लैंड करूंगा तो ये मेरा रीजन है चलिए यार करते हैं ट्रेड यहाँ पे तो मैं जाने वाला हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में फॉर वन मिनट और दिस टाइम इन्वेस्टमेंट तो आपको पता ही है चलिए ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है यार यहां पे आप फ्लक्चुएशन देख सकते हैं दिमाग हिला के रख दिया है और तीन दो एक तो एज अ रिजल्ट अब हमारे पास है फोर्टी फोर ये कंपाउंडिंग है यार और मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको करनी चाहिए आप कर सकते हैं अगर आप लेकिन हमेशा से इतना याद रखो जब भी कंपाउंडिंग करो ना तो एक या दो डॉलर के ऊपर करो मतलब एक डॉलर की ट्रेड लो प्रॉफिट हुआ तो दो डॉलर की उससे प्रॉफिट हुआ तो तीन डॉलर की उससे प्रॉफिट हुआ तो चार डॉलर की तो इससे आप अच्छा कर सकते हैं लेकिन ऐसा मत करना कि कभी सौ डॉलर पे कंपाउंडिंग कर रहे हो एक हजार डॉलर पे कंपाउंडिंग कर रहे हो वो मत करना यार ठीक है तो चलिए अब हमारे पास फुल बैलेंस कितना हो गया था फोर टू वन जितना भी हो गया था तो अब हम ट्रेड लेने वाले हैं सिक्स यूएस डॉलर के साथ क्यों मैं रीजन बताता हूं देखिए 44.90 फोर पॉइंट नाइन जीरो आज की हमारी लास्ट डेट होनी चाहिए अगर प्रॉफिट होगा तो भी लास्ट डेट है लॉस होगा तो भी लास्ट डेट है चलिए फिर ले ही लेते हैं ट्रेड तो यार आ, मैं जाने वाला हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओके okay, यार एक बहुत हेडेक वाला मार्केट चल रहा है गोइंग विद डाउनवर्ड डायरेक्शन इन्वेस्टमेंट आपको पता ही है वेट करते के एंड होने का फिर से और यार प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज प्रॉफिट में क्लोज हो जाए दुआ करना भाई क्योंकि ये वीडियो मुझे खत्म करनी है जल्दी उठना है सुबह और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से खत्म हो जाए यार एटलीस्ट आज का सेशन ओके okay, तो मिलते हैं फोर थ्री टू ओ oh मेरे को तो यार मतलब एक ही सेकंड में ना मुझे लग रहा था जज्बात ना बदलता है मतलब फीलिंग्स ना बदल जाए बट ठीक है फोर्टी नाइन पॉइंट सेवन जीरो डॉलर पचास डॉलर तो इसको कंसिडर कर ही सकते हो यार आप चलिए आज का हमारा प्रॉफिट टारगेट हो गया खत्म मैं और लालच नहीं करने वाला हूँ कंपाउंडिंग भगवान भरोसे थी लेकिन चल गई आज अच्छी चलिए यार कैसा लगा क्या सीखने को मिला जरूर शेयर कीजिएगा और हम मैं कहूँगा अगर कंपाउंडिंग भी करो ना एक डॉलर पे करो दो डॉलर पे करो इससे बड़े मत करना मैंने कंपाउंडिंग करी थी मात्र दो डॉलर पर मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक डॉलर पे थी पर ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखना नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात करते हैं तब तक के लिए सो so यार मैं भी सोता हूं आप भी सो जाओ चलिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टल तो द